नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ कृष्ण बिहारी द्विवेदी। आइए आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सोशल मीडिया यानी एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म। ये गाइडलाइन क्या है ये अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। अब आपको बताना होगा आपत्तिजनक पोस्ट का सोर्स क्या है। भड़काऊ पोस्ट को 24 घंटों के अंदर आपको हटाना होगा। महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी। कंपनियों को 24 घंटे एक शिकायती अधिकारी रखना होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी होगा और कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन का ऑप्शन देना होगा। कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण भी बताना पड़ेगा और नियम तोड़ने पर आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। गाइडलाइन अगले 3 महीने में लागू की जाएंगी। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना कंटेंट में कमी आ सकती है। और अब बात ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफार्म की। देश में करीब 40 ओटीटी प्लेटफार्म हैं जो इस दौरान फले फूले हैं। कोरोना काल में नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफार्म पर 45 लाख सब्सक्राइबर हैं। वहीं डिज्नी हॉट स्टार के पास भारत में 26 लाख सब्सक्राइबर हैं। अमेजोन प्राइम पर करीब 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन प्लेटफार्म पर विवादित सीरीज भी आती रहती है जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब से ओटीटी प्लेटफार्म को अपने काम की जानकारी देनी होगी। उन्हें दर्शक वर्ग के उम्र के मुताबिक कैटेगरी तय करनी होगी। ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन पर काम करना होगा। स्वनियंत्रण एक संस्था बनेगी जिसके हेड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। गलती होने पर इन प्लेटफार्मों को माफी भी मांगनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में समाचार बनाने वाले और समाचार परोसने वाले प्लेटफार्मों के बीच कमाई के बंटवारे को लेकर बहस जारी है। वहीं भारत में इंडियन न्यूज़पेपर एसोसिएशन ने पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें गूगल न्यूज से जो कमाई होती है उसका 85% समाचार बनाने वाले को मिलना चाहिए। आज भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि उनकी नजर इस बहस पर है। तमाम बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।